नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप एशिया की सबसे बड़ी मंडी आजादपुर मंडी से इस समय पर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। और इस समय पर हम पहुंचे हैं आरके एंड कंपनी के यहाँ पर, और यहाँ पर हम राहुल गुप्ता जी से बात कर लेते हैं कि इस समय पर हरी मटर को लेकर के बाजार क्या है, क्या उठा पटक, कितनी अराइवल्स, और जानने की कोशिश करते हैं कि आगे का बाजार क्या रह सकता है। राहुल जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। राहुल जी, इस समय पर हरी मटर का आपको बाजार क्या लगता है और कितनी अराइवल इस समय पर? सर, पहले तो मार्केट टाइम्स को बहुत शुभकामनाएं चलना शुरू करने के लिए। बाकी सर, मटर का जो सिस्टम रेट है, डेली का अप डाउन होता रहता है इसका मार्केट रेट। ये मान लो अब सिस्टम मटर आ रही है लोकल सोनीपत और पानीपत की, ये मटर का ये मान लो यहाँ भी रही है 30 रुपये से लेके 40-42 रुपये, बहुत बढ़िया जो VIP क्वालिटी 45 रुपये तक। हाँ जी, VIP क्वालिटी से क्या मतलब समझे? बिल्कुल, जो ग्रीन होती है, दाने से भरी होती है, चमक पूरी होती है, मिठास पूरी होती है, उसको VIP बोलते हैं। तो इस समय पानीपत की आ रही है? पानीपत तो था क्वालिटी मीडियम हो गई, तो समाज की क्वालिटी आ रही है, वो एक नंबर की आ रही है। अच्छा, मतलब आ दोनों हरियाणा की तरफ से रही? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, राजस्थान से जो क्वालिटी आती है उसको आप कैसे कंपैरिजन करते हैं हरियाणा से? राजस्थान की क्वालिटी थोड़ी डाउन हो गई है, उसके चलते कम से कम महीने से ऊपर हो गया है। अच्छा। उस माल में उसमें मैच्योरपन काफ़ी आ गया, यानी सूखापन माल में काफ़ी आ गया है, मिठास भी नहीं है और ये रंगत भी मटर में नहीं है इस टाइम। तो अभी आजादपुर मंडी में इस समय पर समालखा से और पानीपत से कितनी एक गाड़ी यहाँ पर पहुँच रही है? सर, गाड़ियाँ तो नहीं आ रही, वो पिकअप आती हैं। अच्छा। छोटी छोटी या कोई 4 टन की वाली गाड़ी आती है, ये मतलब 1200-1500 बोरी आ रही हैं दोनों मिला के। अच्छा, कुल मिला करके 1200-1500 सभी जगहों से? नहीं नहीं, इस्तेमाल का पानीपत से बस। अच्छा, इसके अलावा किसी और जगह से नहीं है? इसके अलावा फरकनगर से आ रहा है, राजस्थान से आ रही हैं, राजस्थान से माल बहुत कम आ रहा है, नाना करते हुए पिकअप आ रही हैं। एक पिकअप में माल आता 2.5 टन, तो ये 5-6 पिकअप आ रही हैं बस। 5-6 पिकअप आ रही हैं। आगे आपको क्या लगता है, मौसम को देखते हुए, सारी चीज़ को देखते हुए, ऑब्जर्व करते हुए, कि इसके प्राइजेस के अंदर कोई अप डाउन आपको लगता है? अच्छा सर, अभी डे बाई डे माल कम होता रहेगा। हिमाचल की मटर चालू हो गई, सोलन की मटर आ रही है, लेकिन क्वालिटी वहाँ पे ओला पड़ गया, अभी क्वालिटी काफ़ी हल्की हो गई वहाँ की, तो हल्की के चक्कर में तो रेट तो मिल रहा है उसको, लेकिन उसकी जिसकी अराइवल बढ़ेगी और यही वाले ये लोकल अराइवल कम हो जाएगी, तो रेट बढ़ेगा फिर। आपको लगता है कि कितना एक रेट बढ़ेगा? अभी जैसे आप बता रहे हो कि 30 रुपये से लेके 45 रुपये, 30 से 35 एक कैटेगरी का प्राइस हो गया, 35 से 40 एक कैटेगरी का प्राइस हो गया, और 45 आपकी प्रीमियम क्वालिटी हो गई, तो कितने प्राइजेस के बीच में आप वेरिएशन देखिए? मान लो ये 15 दिन के बाद ना पर डे 5-5 रुपये बढ़ते रहेंगे। 15 दिन के बाद पर डे 5-5 रुपये बढ़ते रहेंगे, ये मान लो रेट अगर रुकेगा 60 रुपये पे आगे। तो जिसके पास इस समय फार्मर के पास में मान लीजिए कि मटर हो, तो क्या रोके क्या? सर, इससे रुकती नहीं है, मटर जो है तो वो निकलेगी, और रोकेंगे तो उसका शीट बन जाएगा। अच्छा, क्वालिटी डाउन हो जाएगी मटर की, क्वालिटी डाउन। हाँ, तो इसलिए मतलब प्राइस का वो बेनिफिट नहीं ले पाएगा सर। तो जिसके मटर लेट है, अब हिमाचल को बेनिफिट मिलेगा, बाकी लोकल माल वैसे बेनिफिट मिलेगा, इनको 30 सवा रेट मिल रहा है, ये हर साल इनकी मटर बिकती थी ये 15-20 रुपये 25 रुपये, अब जो मटर बिकेंगे 35-40, ये रेट आज ही डाउन हुआ है, कल मटर बिकी 40-45 सारी यहाँ पे। तो ये कारण क्या है इस बार, इस साल, इस सीजन के अंदर में तेजी का? सर, कल जो जिन्होंने भी ग्राहकों ने माल लिए थे ना, सबके माल बिके नहीं। अच्छा, अगर हुआ था माल बिके नहीं, सबने लॉस में माल बेचा, 5-8 रुपये किलो लॉस में माल बेचा है। अच्छा। इस बार सबने, किसी ने भी माल लिया नहीं आज, सबने जब रेट डाउन हुआ तब माल लोगों ने खरीदे यहाँ पे। अच्छा, इस बार हुआ ये? तो नहीं, जैसे पिछले साल आप बता रहे हो कि हमेशा 10-15 रुपये पर ये जाती रही है मटर, और ये वाला सीजन ऐसा है जिस सीजन के बीच में इनको 30-35-40 रुपये का भाव और 45 रुपये का भी भाव मिला है, तो उसके पीछे क्या वजह मानते हैं? फसल कम है सर, की बार पिछले रेट काफ़ी डाउन था, किसानों ने माल कम लगाया। अच्छा, माल कम लगा तो माल कम आगे कमाया, माल में उसमें रेट तेज रहे फिर ये। अच्छा, तो प्रोडक्शन डाउन है, इस वजह से प्राइजेस अप हैं, और अभी बाजार आप बता रहे हो कि अब सीजन भी ऑफ होने जा रहा है, तो सीजन ऑफ होएगा तो प्रतिदिन जो है 5 रुपये किलो की ऑफ नहीं होता कोई भी। जैसे समाल का पानी मटर चालू हुआ है, इनका महीने 1.5 महीने ये मटर खत्म हो जाएगी, फिर दूसरे सिंगे मटर चालू हो जाएगी, फिर उसका वो हिमाचल, इसको हिमाचल चालू हो जाएगी, हिमाचल आएगी, हिमाचल डाउन हो जाएगी, दूसरी लगा चल जाएंगे, फिर ये एरिया बदलते रहते हैं उनके सर, एरिया बदलते रहते हैं। और नेचुरल सी बात है, जिस रेट मार्केट के आइटम रेट बढ़ते हैं, अगले साल मार्केट डाउन हो आती है। अभी लहसुन रेट तेज़ है,
बाकी किसानों को रेट अच्छा मिला हुआ है वो फसल लगाएंगे, ज्यादा लगाएंगे, जिस फसल की फसल ज्यादा होगी तो मार्केट डाउन रहेगी उसकी। फिर वो एक सर्कल है वो घूमता रहेगा, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें तो पीली मटर और हरी मटर, अगर पीली मटर की मैं बात करता हूँ तो क्या उसका इफेक्ट इसके प्राइसेस के ऊपर कुछ पड़ता है? सर पीली मटर कोई यहाँ पसंद नहीं करता। अच्छा। ना किसी ने अभी देखी ना किसी सेल करी किसी ने यहाँ पे। सर पीली मटर इंडिया में तो होती है, इंडिया के बाहर होती है सर, यहाँ जब आएगी तो पता लगेगा। लेकिन अभी तक लोगों को ये बताया ग्रीन मटर इसको बोलता तो ग्रीन मटर बोलते हैं सर, ग्रीन मटर नाम से बिकती है सर, ग्रीन ही होगी तभी बिकेगी। अभी हमारे पास और भी तो क्वालिटी डाउन आ जाती है ना, ये काली पीली मटर हो जाती है लेकिन बिकती नहीं यहाँ पे। अच्छा एक क्वेश्चन और है मेरा, जैसे आजकल क्योंकि इसके शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इसको छिला जाता है और छिल करके इसको डीप फ्रीज कर दिया जाता है, तो डीप फ्रीज करना इसकी एक तो आपने शेल्फ लाइफ बढ़ा दी और उसका यूटिलाइजेशन बढ़ गया, ठीक है। आजकल लोग भी अपने अमूमन घरों के अंदर क्या फ्रीजर के अंदर इसको छिल करके और रख देते हैं ताकि लंबे सीजन तक ये चलती रहे, उसका भी प्राइसेस के ऊपर कुछ इफेक्ट आता है क्या? वहाँ पर डिमांड कोई बढ़ती हुई देखते हो क्या आप? सर इसमें प्राइस पर इफेक्ट नहीं आता। अभी मैं आपको बात बताऊँ जनवरी के, मैं जनवरी में 10 जनवरी से लेकर ना 25 जनवरी मेरे पे इतने फ़ोन आते हैं, ज़्यादातर आते हैं तो रिटायर टीचर होते हैं, रिटायर है वो मेजर कर्नल कुछ भी होगा, ये डॉक्टर होगा रिटायर, ये जो इनके बहुत फोन आते हैं लेडीज़ और जेंट्स हो गए कि हमें जी जयपुर की 2 बोरी मटर चाहिए, 3 बोरी मटर जी हम छिलवा कर चाहिए, और कम से कम मेरे पे किराना करते हुए 100-150 बोरी ऐसे बिक जाती है एक महीने में। अच्छा हाँ तो नहीं पीक होता जनवरी में सर, क्या है जयपुर की मटर काफ़ी फेमस मटर है, सस्ती होती है, बढ़िया होती है पूरे साल में और मीठी बहुत होती है वो, इस मारे वो मटर सब लेने आते हैं, वो 1 बोरी 2 बोरी ले अपनी गाड़ी लेके आएंगे, 2 बोरी खरीदी लेके चले गए यहाँ से, उनको छील कर अपने डिफ्रीजर में स्टोर कर लेते हैं, वो पूरे साल यूज़ करते हैं। तो अगर देखा जाए तो जयपुर की जो मटर है या राजस्थान की जो मटर है उसका सीजन पॉइंट क्या रहता है, कब से कब तक वो? सर वो मटर चालू होती है 1 तारीख से, लेकिन वो 2-3 गाड़ियाँ आती हैं जो बल्क में आती हैं वो 10 तारीख से लेकर 20 से 25 तक बीच में आती हैं, फिर उसके बाद इसको क्या नाम है इसकी रेवल डाउन आती है, फिर क्वालिटी डाउन आती है फिर। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी मार्केट टाइम्स टीवी से बात करने के लिए। तो राहुल जी ने बताया कि 15 दिन के बाद करीब करीब प्रतिदिन 5 रुपये प्रति किलो की तेजी संभव है, क्योंकि सीजन तो सारा साल चलता है, लेकिन जो यहाँ से समालखा से और पानीपत से जो मटर आ रहा है उसका जो अराइवल्स है वो एक तो कम होने लगेंगी, दूसरा हिमाचल की जैसा कि बताया वहाँ से जो मटर निकल करके आ रही है उस पर जिस तरीके से बर्फबारी हुई है, ओला पड़ा है, उसे फसल डैमेज हुई है, तो प्रोडक्शन भी इस साल कमज़ोर है, जिसकी वजह से किसानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं। और आज हाजिर बाज़ार के अंदर में आजादपुर मंडी के अंदर हरी मटर जो है वो 30 रुपये से 45 रुपये प्रीमियम क्वालिटी की मटर इस समय पर बोली जा रही है। आप देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी, कहीं मत जाइए।